हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का ने खुद को इतना कठोर बनाया था कि उसे किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अनुष्का ने पूरी रात खुद को समझाने में लगा दी कि अब उसे राजवीर के बिना जीना है और अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श रानी बनना है। उधर दूसरी तरफ राजवीर अपने महल पहुंचकर एक कमरे में खुद को बंद कर लेता है और कहता है, अनुष्का, आपने हम पर भरोसा नहीं किया। हमें यकीन था आप हम पर विश्वास करेंगी, पर आपने हमें तो एक पल में ही पराया कर दिया। कोई बात नहीं, अब हम भी आपके बिना जीना सीख लेंगे। आपको हमारी ज़रूरत नहीं तो हमें भी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। राजवीर इस बार बहुत ही उदास था, पर वो अनुष्का को इस बार नहीं मनाना चाहता था। उसे ये लग रहा था कि अनुष्का को उस पर विश्वास करना चाहिए था, पर अनुष्का ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब उनका रिश्ता अब नाम का रिश्ता बन चुका था। दूसरे दिन अनुष्का आज पूरी तरह से एक रानी की तरह तैयार होकर नीचे आती है। राजवीर की सारी फैमिली अभी भी अनुष्का के ही महल में थे। अनुष्का सबका आशीर्वाद लेती है। तभी राजवीर की दादी कहती है, बेटा राजवीर कहाँ है? अनुष्का कहती है, वो कल रात को ही अपने महल वापस गए हैं। तभी राजवीर का फ़ोन पूनम जी को आता है। पूनम जी कहती है, ये लो, उसी का फ़ोन आ गया है। ये कहकर पूनम जी फ़ोन उठाकर कहती है, हाँ बेटा बोलो, आप हमें बिना बताए वापस अपने महल क्यों गए? राजवीर कहता है, मासा, हम अभी हमारे ही महल में रहेंगे और आप सब लोग भी यहाँ पर आ जाओ। अनुष्का अपने महल और रियासत की अच्छे से देखभाल कर सकती है। कल हमारी और अनुष्का की इस बात पर बात हो चुकी है और हमने डिसाइड किया है कि आज के बाद हम अलग रहेंगे, तो आप सब भी सोच लीजिए आपको कहाँ रहना है। ये कहकर राजवीर अपना फ़ोन रख देता है। पूनम जी सारी बातें घर वालों को बताती है तो अनुष्का कहती है, हाँ माँ, कल हमने डिसाइड किया था कि आज के बाद से हम अलग अलग रहेंगे, पर ये आप सब लोगों पर निर्भर करता है कि आप लोग कहाँ रहना चाहते हैं। अगर आपको हमारे साथ रहना है तो आप लोग हमारे साथ रह सकते हैं। सब लोग बड़े ही मुश्किल में पड़ गए। वो सब अनुष्का और राजवीर को साथ देखना चाहते थे, पर अनुष्का राजवीर अब साथ नहीं रहना चाहते थे, तो अब क्या करें? दादी कहती है, ऐसा करो, तुम सब लोग राजवीर के पास जाकर रह लो, हम अनुष्का के पास रहते हैं। अनुष्का के पापा भी कहते हैं, हाँ, मैं और दादी यहाँ रहते हैं और समीर और काव्या के आने के बाद डिसाइड करेंगे कि वो कहाँ रहेंगे। अनुष्का कहती है, आपको जैसा ठीक लगता है वहाँ आप सब लोग रह सकते हैं, हम किसी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते, तो आप लोग डिसाइड कर लो, हमें अब ऑफिस जाना है, हम निकलते हैं। तभी दादी कहती है, बेटा आप ऐसे रानी के अवतार में जाएंगे ऑफिस? अनुष्का कहती है, अब रानी बन ही चुके हैं तो रानी की तरह रहना भी सीखना होगा। दादी जानती थी अनुष्का को इतना सजना सवरना अच्छा नहीं लगता, पर अब अनुष्का कुंवर रानी सा बन चुकी थी तो राजवीर की भी इज्जत अनुष्का से जुड़ी थी, इसलिए दादी ने कुछ नहीं कहा। अनुष्का ऑफिस के लिए निकल पड़ी और रास्ते में सोचने लगी, हमारे घर वाले कितने अच्छे हैं जो हमारे फैसले पर एक सवाल तक नहीं किया, उनका कितना विश्वास है हम पर। पर क्या करें, आपका पोता विश्वास के लायक नहीं है। अनुष्का ये सब सोच ही रही थी तभी अनुष्का अपने ऑफिस पहुंच जाती है और अनुष्का को रानी के रूप में पहली बार देख पूरा ऑफिस अनुष्का को बड़ी इज्जत देता है। अनुष्का राजवीर की शादी की बात जंगल में लगी आग की तरह पूरे राजस्थान में फैल गई थी। अनुष्का का पूरा ऑफिस फूलों से भरा हुआ था। अनुष्का कहती है, ये सब क्या है? तभी अनुष्का की पीए कहती है, मैडम ये सब आपकी शादी की मुबारकबाद के लिए फूल आए हैं। अनुष्का अपना सारा कैबिन फूलों से भरा हुआ देख खुश होती है और सब फूलों के गुलगस्ते को देख उसमें लगा कार्ड देखती है, तो सभी लोगों ने उसे शादी की बधाई दी थी। अनुष्का ने अपने पीए को बाहर जाने के लिए कहा और उसकी आंखों में आंसू आए और अनुष्का कहने लगी, लोग हमें हमारी बर्बादी की बधाई दे रहे हैं, क्या बात है। राजवीर की भी हालत कुछ ऐसी थी, फिर भी राजवीर खुद को संभाल लेता है और पूरे ऑफिस के सामने
खुश होने का दिखावा करता है। अनुष्का ने खुद को काम में इतना डुबो दिया कि उसे खाने का होश ना था और ना कुछ पीने का। अनुष्का कुछ ही दिनों में पतली सी लड़की में बदल गई थी। अनुष्का की ऐसी हालत दादी से देखी नहीं जा रही थी, तो दादी ने समीर और काव्या को फ़ोन करके सारी बात बता दी। दोनों ये बात सुनकर भागे भागे जैसलमेर को आने के लिए निकल गए। अनुष्का को इस वक्त अपने दोस्तों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तभी उसके पास काव्या आती है और समीर राजवीर के पास जाता है। राजवीर की भी हालत अनुष्का से बेहतर नहीं थी। राजवीर ने भी खुद को काम में इतना डुबोया था कि उसे रात और दिन का भी होश नहीं होता था। समीर राजवीर की ऐसी हालत देख बहुत ही चिंता करने लगा और कहने लगा, अरे यार, मैं 2 दिन के लिए बाहर किया गया, तूने अपना ये क्या हाल बना लिया है। काव्या भी अनुष्का को कुछ समझाना चाहती थी, पर अनुष्का और राजवीर किसी की बात को समझना ही नहीं चाहते थे। उन दोनों ने जैसे एक दूसरे से ना मिलने की कसम खा ली थी। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। काव्या और समीर भी अलग अलग रहने लगे। काव्या अनुष्का के पास रहती थी और समीर राजवीर के पास रहता है। वो दोनों अनुष्का और राजवीर को समझाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, पर वो दोनों मानने वाले नहीं थे। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का और राजवीर अब अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर उन दोनों को उनके सिवाय कुछ अधूरा सा महसूस होने लगता है। पर फिर भी वो अपनी भावनाएं एक दूजे से छुपाकर अपनी ज़िंदगी ऐसे ही 6 महीने काट लेते हैं। अनुष्का ने 6 महीने में खुद को और अपने राज्य को बड़े ही खूबी से संभाला हुआ था। अनुष्का अपने राज्य की छोटी से छोटी बात को संभालने लगी थी और वो उस राज्य की चहेती रानी बन चुकी थी। अनुष्का ने अपने माँ पापा का सपना पूरा कर दिया था। उसने खुद को एक आदर्श रानी के साथ साथ एक बिजनेस वुमन का किताब हासिल कर लिया था। अनुष्का ने बिजनेस में बड़े ही तरक्की हासिल की थी। किसी बाहरी आदमी को अनुष्का की लाइफ तो अब बड़ी अच्छी दिख रही थी। उसके पास सब कुछ था, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, पर अनुष्का ही जानती थी कि उसके पास अब कुछ नहीं है और उसके जैसा बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा, ऐसा अनुष्का खुद को समझने लगी थी। दूसरी तरफ राजवीर और भी यंग और ज़्यादा हैंडसम आदमी बन चुका था। राजवीर ने भी अपना कारोबार इस कदर ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि उसके सामने कोई टिकने वाला ही नहीं था, पर वो भी अनुष्का के बिना अब अधूरा ही लगता था। राजवीर ने खुद को बस पैसे छापने की मशीन बनाया था। एक दिन अनुष्का ऐसे ही अपने राज्य में घूम रही थी, तभी उसे पता चलता है कि कुंवर सा कुछ बीमार चल रहे हैं। अनुष्का को ये बात सुनकर ऐसा लगा कि जैसे उसके सीने में किसी ने खंजर घुसा दिया हो। अनुष्का खुद राजवीर से मिलना चाहती थी, पर उसका स्वाभिमान उसे ऐसे करने से रोक रहा था। अनुष्का ने अपने खास आदमी शेरा को बुलवाया और उसे कहा, शेरा, तुम तो हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ जानते हो, तो हम आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं। आप हमारे लिए एक काम कर सकते हैं क्या? शेरा कहता है, राजकुमारी, आपके लिए तो हम हाजिर हैं, बताइए क्या करना है। अनुष्का कहती है, हम बाकी लोगों को ये बता नहीं सकते कि हमारा रिश्ता राजवीर के साथ कैसा है, पर आप हमारे लिए राजवीर की तबीयत की मालूमियात कर सकते हैं क्या? हमें जब से पता चला है कि राजवीर बीमार है, तब से हमारा दिल ये जानने के लिए बेकरार है कि वो ठीक तो है ना। शेरा कहता है, राजकुमारी, हमें पता था आप ये जानने के बाद कुंवर सा की तबीयत के लिए चिंतित होगी, इसलिए हमने पहले ही पता लगवाया था कि कुंवर सा बिल्कुल ठीक है और खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर ने कहा है वो कल तक ठीक हो जाएंगे, और आप तो जानती है प्रजा अपने कुंवर सा से कितना प्यार करती है। कुंवर सा थोड़ा सा बीमार भी होते हैं तो ये लोग उसे बड़ा चढ़ा कर बातें बनाते हैं। राजकुमारी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। अनुष्का शेरा की बात सुनकर चैन की सांस लेती है। दूसरी तरफ राजवीर आस लगाए बैठा था कि अनुष्का शायद अब आ जाए, पर अनुष्का वापस आई भी नहीं और उसने कॉल करके राजवीर से उसके तबीयत के बारे में पूछा भी नहीं।
राजवीर को बहुत बुरा लगने लगा। राजवीर कहता है, अनुष्का अब ऐसी भी कैसी नाराज़गी, आप हमें माफ़ नहीं कर सकती क्या? दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते तो हैं, पर अब ऐसे हालात हो रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे थे। दोनों के बीच एक ऐसी खाई बन चुकी थी कि अब इसे कोई चाहकर भी नहीं पार कर सकता था। राजवीर एक दिन के अंदर ही ठीक हो चुका था। अब राजवीर ने खुद को इतना मजबूत कर लिया था कि अनुष्का के किसी भी बात पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अनुष्का ने भी खुद को कठोर बना लिया था। दोनों अब ऐसे राह पर चले थे कि एक दूसरे से बस दूर ही होते जा रहे थे। अब देखते हैं इन दोनों की दूरियां इनको पास लाती है या और भी दूर करती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का ने खुद को बड़े ही अच्छे तरीके से संभाला हुआ था और वो अपने ऑफिस को आगे बढ़ा ही रही थी। तभी कुणाल कुंद्रा अनुष्का की ज़िंदगी में आता है। कुणाल को बस अनुष्का से अपने पापा के मौत का बदला लेना था, इसलिए कुणाल धीरे धीरे से अनुष्का को जानना चाहता था। इसी बीच कुणाल ने अनुष्का से दोस्ती की, क्योंकि वो अनुष्का को इतनी आसानी से नहीं मारना चाहता था। उसे तो अनुष्का को तड़पते हुए देखना था, इसलिए कुणाल अनुष्का को जानकर उसकी कमजोरी को ढूंढना चाहता था। पर हमारी कुंवरसा अनुष्का की कोई कमजोरी ही नहीं थी। हाँ, कुछ दिनों पहले एक कमजोरी थी और वो थी राजवीर। पर अब अनुष्का राजवीर से सारे नाते तोड़ चुकी थी, तो अनुष्का की कोई कमजोरी नहीं रही। अनुष्का ने खुद को इतना अच्छे से कठोर किया था कि कोई उसके बारे में जान ही नहीं सकता था। अनुष्का की ज़िंदगी में उसका दोस्त बन के आया हुआ कुणाल उसका दुश्मन है, ये अनुष्का ने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ राजवीर अपने कामों में इतना बिजी हो गया कि उसे घर जाने की भी फुर्सत नहीं हुआ करती थी। इसी बात का प्रिया ने फ़ायदा उठाया। प्रिया जानती थी भले ही राजवीर ने अनुष्का को पूरी दुनिया के सामने अपनी पत्नी का दर्जा दिया है, पर इनके बीच कुछ भी अच्छे से नहीं चल रहा। राजवीर और अनुष्का अब जल्दी ही अलग हो जाएंगे, ऐसा सोचकर प्रिया राजवीर के करीब आने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। पर राजवीर ने प्रिया को एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा। प्रिया कहती है, राजवीर अब तुम मुझसे कब तक बचोगे? राजवीर मैं अब ऐसा कुछ करूँगी कि तुम्हें मुझे अपनाना ही पड़ेगा। प्रिया अब कुछ गहरी प्लानिंग करने लगी अनुष्का के लिए। अनुष्का के लिए आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आज के दिन उसे इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करना था, इसलिए अनुष्का वहाँ खुद गई थी। अनुष्का के साथ साथ काव्या भी वहाँ गई थी। जब से राजवीर को अनुष्का ने छोड़ा था, तब से काव्या अनुष्का की साये की तरह फॉलो करती थी। काव्या को अपने दोस्त की इतनी चिंता थी कि काव्या ने खुद को समीर से भी दूर कर दिया और सिर्फ अनुष्का के लिए उसके साथ रहने लगी। समीर भी राजवीर को अकेला छोड़ने वाला नहीं था। समीर ने भी काव्या और खुद के रिश्ते को राजवीर और अनुष्का के लिए थोड़े दूर से ही निभाने की कोशिश कर रहे थे। काव्या अनुष्का के साथ और समीर राजवीर के साथ रहने लगे थे। उन दोनों के रिश्ते में भी दूरियां आ गई थी। अनुष्का अपनी इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस आ गई थी। वहीं राजवीर भी उसी कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए आया था। अनुष्का और राजवीर दोनों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट पाना अब बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका था। अनुष्का और राजवीर उसी ऑफिस में 6 महीने के बाद मिले। राजवीर ने अनुष्का को ऊपर से नीचे तक देखा। जो अनुष्का बिंदास बनकर घूमती थी, वह अनुष्का अब एक संस्कारी लड़की बन चुकी थी। अनुष्का ने राजस्थानी घाघरा पहना हुआ था, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और उस पर उसका खूबसूरत सा चेहरा। अनुष्का को कोई एक बार देखे तो उसके प्यार में पड़ जाए, ऐसी लग रही थी अनुष्का। अनुष्का ने भी राजवीर को देखा, पर अनुष्का ने उसे एक बार देखकर नज़रअंदाज कर दिया। राजवीर मन में कहता है, अनुष्का अब 6 महीने बीत चुके हैं, फिर भी आपको हमारा चेहरा एक बार देखना गवारा नहीं है। अनुष्का ऐसी भी क्या नाराज़गी जो आपने हमारे प्यार को ही ख़त्म कर दिया। तभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफिस से आवाज़ आती है और वो कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होने के कारण 2 कंपनियों को दिया जाएगा और वो कोई और कंपनी नहीं है, वो राजवीर इंटरप्राइज और पीयूष इंटरप्राइज को मिलता है, जिसके मालिक हैं हमारे कुंवर सा और कुंवर रानी सा। सभी लोग राजवीर
और अनुष्का को बधाई देने लगे। अब अनुष्का इस कॉन्ट्रैक्ट को मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि दुनिया की नज़र में अनुष्का राजवीर की पत्नी बन चुकी थी। अनुष्का परेशान होकर काव्या से कहती है, अरे यार, हमारा नसीब हमेशा इतना ही ख़राब क्यों होता है? जब देखो तब ये राजवीर काली बिल्ली की तरह हमारा रास्ता काटता है। काव्या कहती है, चुप कर, वो देख तुमको बुला रहा है। अनुष्का एक बार भी राजवीर की तरफ बिना देखे आगे बढ़ जाती है। राजवीर भी अनुष्का के सामने आगे बढ़ता है। तभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफिस का आदमी कहता है, कुंवर सा और कुंवर रानी सा, आपको यहाँ साइन करने हैं। अनुष्का साइन करती है। अनुष्का के पीछे पीछे राजवीर भी साइन करता है। तभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर कहता है, कल हमने पार्टी का इंतज़ाम किया है, तो आप सबको हम इनवाइट करते हैं, तो आप सब कल रात 8 बजे वहाँ पहुँच जाइएगा। उसने बड़े प्यार से अनुष्का और राजवीर को इनवाइट किया। अनुष्का और राजवीर दोनों भी उसे मना नहीं कर पाए। अनुष्का उसका न्योता एक्सेप्ट करती है और बड़े प्यार से कहती है, खुराना जी, हम बिल्कुल आएंगे आपकी पार्टी में। राजवीर कहता है, हाँ हाँ खुराना जी, हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम भी आएंगे। राजवीर और अनुष्का दुनिया के सामने नकली दिखावा करते हुए वहाँ से अपने अपने महल की ओर जाते हैं। अनुष्का महल जाकर सोचती है, हमें जाना चाहिए या नहीं, वहाँ पर राजवीर भी होगा और हम राजवीर से कैसे मिलेंगे। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। फिर अनुष्का खुद से ही कहती है, अरे अनुष्का, तू इतनी डरपोक कैसे हो गई? तुझे तो खुराना जी ने खुद बुलवाया है, तुझे तो जाना चाहिए। उस राजवीर की वजह से तू इतनी बड़ी डील नहीं छोड़ सकती। राजवीर वहाँ हो या ना हो, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अनुष्का खुद को ही समझा कर मानती है कि उसे पार्टी में जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या अनुष्का राजवीर इस पार्टी में आएंगे, और आएंगे तो क्या इस पार्टी में एक साथ होने के कारण ये दोनों एक दूसरे के करीब आ पाएंगे? और दोस्तों, प्रिया भी इस पार्टी में आएगी, और प्रिया इस पार्टी में आएगी यानी कि वो कुछ बड़ा प्लान करके ही आएगी। तो प्रिया के पार्टी में आने से राजवीर और अनुष्का की ज़िंदगी में कौन सा बड़ा भूचाल आने वाला है? तो दोस्तों, आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।